हम तो जब से अब हो समय तो से प्रेम की सौगंध कसम खाते चले आ रहे हैं। और प्रेम की सौगंध एक पवित्र कसम है, ऐसा नहीं है। प्रेम तो हर किसी से, माँ बेटे से, भाई बहन से, माँ पिता पुत्र से एक होता है, वही पति पत्नी का प्रेम होता है। लेकिन ये हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पति पत्नी का त्रिकोणी प्रेम प्रसंग है। प्रेम की भावना जब प्यार नहीं मिलता है भाई, उसके पति की हत्या हो जाता है तो बदला लेने के लिए भाई वो तो प्रेम के विरह में तो जल रही है। इसलिए हमने जो है प्रेम प्रसंग जो एक बारे में जो हमने सोचा बनाने के लिए। प्रमोद जी तो उनकी यह सबसे ऐतिहासिक फिल्म होगी जो डबल रोल में आ रहा फिल्म है, और बिग फिल्म है। और जब बिग फिल्म है तो बिग बजट भी होगी। अच्छे एक्टर हैं, कोऑपरेटिव है, अच्छे इंसान भी हैं। अब एक्टिंग उनकी अच्छी भी लगती है लोगों को, तो इसलिए उनको लिया जाता है हमेशा। हमारी उनके साथ कंटिन्यू 7-8 फिल्में हो चुकी है, बशर्ते अभी तो 3री फिल्म ही है, बस साइन करके छोड़ा गया उनको। कारण यह है कि प्यार तो वो है एक ही हीरोइन से करते हैं, लेकिन उसमें दोहरी चरित्र है प्रमोद जी का, जो अब ये आदमी सस्पेंस करके प्यार किससे करते हैं। लेकिन उसमें प्यार जो है, जो मणि भट्टाचार्य जी हैं हमारी, यानी चंदा का रोल पहला रोल उनसे प्यार करता है। लेकिन जो जेलर हैं बन के आते हैं, वह एक अध्यापिका होती है जिसका नाम है सूर्या झा, आरजू से प्यार करते हैं। अब इसमें ऑडियंस सोचे कि प्यार आखिर किससे करते हैं, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, फिल्म ही रोचक है। पुरुषों से बहुत अच्छे, और पहली ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी सोच को उनके हम विजुअल बना रहे हैं, उनकी कहानी के हिसाब से हम सिनेमा बना रहे हैं। उनकी यही सोच है कि अच्छी सिनेमा बनाई जाए जो सब लोग देखे, सारे परिवार बैठ के देखे। अगर हमारा परिवार हमारे साथ फिल्म ना देख सके तो हम फिल्म बनाने से क्या फ़ायदा। जब हमारा परिवार देखे बगैर बैठ कर फिल्म, तभी दूसरा कोई उस फिल्म को एक्सेप्ट करेगा, अपने परिवार के साथ बैठ के देखेगा। इस फिल्म की छुट्टी देखिए, अभी तो गाजीपुर में हम लोग मौजूद हैं। अभी हमारी 2 तारीख, पहली तारीख से हमारा है बनारस में, उसके बाद चंदौली है, मुगलसराय है, यही सब चीज़ें हैं। कारण हमारे जो कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, इसलिए हमने फिल्म के सीन के हिसाब से हमने लोकेशन समझौता नहीं किया। हमको जहाँ अच्छा लगा, हम 50 किलोमीटर दूर आए हैं बनारस से लोकेशन के लिए, हमको अच्छा लगा, सर्टिफाई लगा हमें कि सिनेमा के लिए अच्छा है, इसलिए हम जो है हर तरह से लोकेशन खोज के और सोच के रखे हैं। आज पहली बार देख रहे हैं सिनेमा के इसी गाने में कितनी ज़्यादा क्राउड, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, वाले दोस्तों आप। ये फिल्म हमारी महिला प्रधान फिल्म है, और हम लोग ये फिल्म इतना महिलाओं के इसलिए पिक्चर में या गाने में लिया गया ताकि उनको देख करके अन्य महिला फिल्म देखने की कोशिश करें। अन्य महिला जब तक फिल्म नहीं देखेंगी तब तक हमारा फिल्म, हमारा काम करने का सफलता वो सब माने नहीं रखेगा। जब घर घर से लोग सिनेमा देखने आएंगे लोग, तभी हमारी मेहनत का वो इनाम होगा। हाँ, महिला प्रधान फिल्म है, महिला को बढ़ावा देने, महिला सुरक्षित कैसी होती है और अगर अपने पे आ जाए तो अपनी जिद पे किसी भी चीज़ को झुका सकती है। विशेषकर ये हमारी तो अपने भारत में, हिंदुस्तान में पारंपरिक है होली, हर तबके के लोगों के लिए रखा गया है, हर मौसम के देखते हुए हर तरह के गाने रखे गए हैं। होली भी है, इमोशनल भी है, सोहर गाने हैं जो अभी तक हमारी भोजपुरी में जल्दी नहीं आता, इस फिल्म में आपको सोहर भी सुनने को मिलेगा। रिलीज हम आपको पंचमी में दे देंगे, हाल में हम रिलीज करेंगे पंचमी में, और रक्षाबंधन भी रिलीज कर देंगे। अभी मैं करने जा रहा हूँ फिल्म तेरे संग प्रीत लगाई सजना, लखनऊ में है, 12 महीने में सेट है मेरा, वहाँ हमारी कंटिन्यू 3 फिल्म है। चयन हो गया है, कुछ बाकी है, बस अभी मैं यहाँ व्यस्त हूँ थोड़ा सा, बाकी लोग कास्टिंग तो मन में हो जाता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। मैं दर्शकों से उम्मीद यही रखता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर वो देखें। उनके मन में जो भी गलतफहमियाँ भोजपुरी के प्रति लोगों ने बो दिया है, इस फिल्म देखने के बाद उनका मन और फिल्म साफ सुथरी नज़र आएगी कि नहीं, कोई फिल्म ऐसी बनी है जो हम पूरे परिवार, जो हमारे समाज को, पूरे भोजपुरी समाज देख सके।